everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is types of pronoun. आज हम पढ़ेंगे reciprocal pronoun. अभी तक हम previous videos में अपने 7 type of pronoun cover कर चुके हैं. So start करते हैं. सबसे पहले हम topic डालते हैं reciprocal pronoun. ये 8 type of pronouns. रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो कि यूज़ करते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करने के लिए. तो इसको लिखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर. मेरे साथ नोट डाउन करिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स आर वर्ड्स दैट आर used to indicate क्या इंडिकेट करते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स. तो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे इंडिकेट करते हैं दर्शाते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट में. जैसे हम समझते हैं इसको म्यूचुअल रिलेशनशिप. सबसे पहले ये वाले वर्ड मैं आपको बता देती हूँ. म्यूचुअल रिलेशनशिप वाला रिलेशनशिप लेंगे जो आपके इंस्टा पर होते हैं म्यूचुअल फ्रेंड शो होते हैं. उसमें क्या होता है कि अगर एक ये ए है बी सी ये इसका भी फ्रेंड है ये इसका भी फ्रेंड है तो ये हो जाएगा म्यूचुअल फ्रेंड. ये दोनों को जानता है इट्स अ कॉमन फ्रेंड म्यूचुअल फ्रेंड. तो ऐसे ही जो सेंटेंस होता है दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस से मिलके बनता है ये तो वो क्या शो करता है हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करता है. इसमें कौन से वर्ड्स यूज होते हैं इसमें यूज होता है हमारा इट इंक्लूड्स each other and one another. अब मैं आपको बताऊंगी each other कब use करते हैं one another कब use करते हैं. तो लिखते हैं हम each other सबसे पहले देखते हैं. each other हम use करते हैं जब हम sentence दो के लिए मतलब दो लोगों की बात हो रही होगी. ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है और जो वन अनदर होता है उसका भी मैं बताऊंगी. इट यूज्ड इन अ टू सेंटेंसेस इन टू सेंटेंसेस में यूज होता है एंड वन अनदर कब यूज होता है वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है मोर देन टू. ठीक है एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब पहले हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं ईच अदर का. जैसे रिया एंड राज लव ईच अदर. इसका मतलब आपको समझ आया होगा रिया एंड राज लव करते हैं एक दूसरे से. एंड वन अनदर का एग्जांपल लेते हैं हम माय ब्रदर एंड माय कजन. इसमें माय ब्रदर एंड वर ब्लेमिंग वन अनदर. तो इसको पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा मेरा जो ब्रदर है और मेरा जो कज़न है वो एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं मतलब इल्ज़ाम लगा रहे हैं लगा रहे थे. और एग्जांपल लेते हैं वन अनदर का द गर्ल्स. इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं द गर्ल्स हेल्ड वन अनदर. जो लड़कियां हैं वह एक दूसरे की हेल्प कर रही थी. एंड नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ईच अदर का द टू नेबर्स. नेबर्स मतलब पता है पड़ोसी हेटेड ईच
अदर हेट करते हैं वो एक दूसरे से, जो टू नेबर्स हैं उनकी बात हो रही है, तो इसमें जो ईच अदर कब यूज़ हो रहा है, जब दो एक दूसरे की बात हो रही है दो लोगों की, इसमें जो वन अनदर यूज़ हो रहा है वो कब यूज़ हो रहा है, जब गर्ल्स हमें पता नहीं है वो कितनी लड़कियां हैं, और माई ब्रदर एंड माई कज़न वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, राज एंड जो रिया है वो लव ईच अदर एक दूसरे से, जब एक दूसरे से की बात होगी तो ईच अदर एक दूसरे पर, या फिर दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही होगी तो तब क्या यूज़ होगा हमारा वन अनादर। ठीक है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अभी इसको भी हम देख ही लेते हैं, कई बुक्स में इस ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन है ये दिया जाता है और कहीं पर नहीं दिया जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ अगर आपके कोर्स में आएगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, आप डरे नहीं कि क्या आ गया। तो एक और एक्स्ट्रा टाइप पढ़ लेते हैं हम, इम्फेटिक। ठीक प्रोनाउन, इसको हम जल्दी से कवर करेंगे। ये कौन सा प्रोनाउन होता है जिस प्रोनाउन का प्रयोग जोर डालने के लिए किया जाता है, वो होता है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन। ये भी रिलैक्सिव प्रोनाउन की तरह पर्सनल प्रोनाउन के साथ, जैसे हम उसके साथ क्या लगाते थे, सेल्फ और सेल्व्स VES लगाने से बनते हैं। ठीक है तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ आपको ताकि आपको इजली समझ आ जाए। तो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो क्या दिखाता है, रोल ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या रोल है उस सेंटेंस में, रिप्रेजेंट रोल ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, या फिर इसको मैं और एक्सप्लेन करूं तो ऐसे लिख सकते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है रोल ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो हम ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके, जैसे मैंने बताया था क्या था, योर, सबसे पहले लिखते हैं यू, यू का क्या बनता है, योर सेल्फ बनता है या फिर योर सेल्व्स बनता है, ये क्या होता है सिंगुलर, ये क्या होता है प्लूरल। ठीक है तो हम इसका ध्यान रखेंगे, जब भी यू आएगा तो हम इसके एग्जांपल लिखते हैं, आई माई सेल्फ विल लिफ्ट द बंडल, आई माई सेल्फ विल लिफ्ट द बंडल, मैं बंडल खुद ही उठा लूंगा, मैं अपना दावा कर रहा हूँ, मैं अपना जोर दिखा रहा हूँ, तो इसलिए आई के बाद ही माई सेल्फ आएगा, नॉर्मल सेंटेंस होता तो माई सेल्फ ये एंड में आता है। ठीक है ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यू योर सेल्फ कैन स्टडी, इसमें सिंगुलर की बात हो रही है इसलिए SELF आया है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यू योर सेल्फ कैन स्टडी, तुम खुद स्टडी कर सकते हो, तो इसमें ये जोर डाल रहा है कि तुम खुद स्टडी कर सकते हो इसलिए ऐसा लिखा है। अगर ये नॉर्मल सेंटेंस होता है तो कैसे होता है, यू कैन स्टडी योर सेल्फ। ठीक है ऐसे एक और ले लेते हैं, दे देम सेल्स आर टू ब्लेम, दे देम सेल्स आर टू ब्लेम, इसमें VES क्यों आया है, इसमें VES इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे दे की बात हो रही है, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए VES आया है। ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम, ही हिमसेल्फ ब्रोक द स्लेट, उसने खुद स्लेट तोड़ दी, तो ही के बाद हिमसेल्फ आया, जब भी ऐसे आए इसके बाद ये वाला वर्ड आए, ऐसा वर्ड आए, ऐसे आए, तो आपको समझना है कि इम्फेटिक प्रोनाउन की बात हो रही है, इस चीज में दावा दिखाया जा रहा है। ये अपोजिट किसका होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है ये, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, आई हर्ट माई सेल्फ, बट इसमें क्या होगा, आई माई सेल्फ हर्ट, इस टाइप में हो जाएगा। ठीक है
तो इसके मैं कुछ लिखवा देती हूँ आपको, कौन कौन से होते हैं ये। जैसे हो जाता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, पावर सेल, हर सेल। बस आपको इसमें सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है कि सेंटेंस में सिंगुलर दे रखा है या प्लूरल दे रखा है, तब आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप सिंगुलर प्लूरल की बात हो जाएगी, जैसे लिख देंगे आई दिस इज माई बुक, तो आपको लग रहा है क्या ये इम्फेटिक प्रोनाउन है? ये इम्फेटिक प्रोनाउन का सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ये वाले वर्ड्स नहीं आए हैं। तो इसका इम्फेटिक प्रोनाउन का सेंटेंस कैसे हो जाएगा? दिस माइंड बुक। ठीक है, आई होप आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन समझ आए होंगे। 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। जिसने अभी तक की वीडियोस नहीं देखी हैं प्रोनाउन में, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।